दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार कश्मीरी विस्थापित छात्रों के लिए अलग से कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी। ये नहीं, पहली बार दिल्ली से बाहर के कश्मीरी छात्र, जिसमें जम्मू के छात्र भी शामिल हैं, 5% कोटे के हकदार होंगे। अब तक यूनिवर्सिटी जर्नल ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूटी कैटेगरी के तहत कट ऑफ लिस्ट जारी करती थी। कश्मीरी विस्थापित छात्रों को कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र, कश्मीर में प्रॉपर्टी का सबूत और दिल्ली में मौजूदा निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। 19 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे और पहली कट ऑफ 27 जून को आएगी। अमित इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, क्या ये बड़ी घोषणा है इस वक्त और इसकी और क्या डिटेलिंग और टेक्निकलिटीज रहेंगी? देखिए सचिन, दो अहम चीजें इसमें। पहली तो ये जो आपने बात दर्शकों को बताई कि पहली बार डीयू के इतिहास में चीजें पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो गया है। और दूसरी सबसे अहम बात, जो 5 अलग अलग कैटेगरीज थी, जिसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की 5 अलग अलग कैटेगरीज में अब तक कोटा अलॉटेड होता था, अब पहली बार ऐसा डीयू के इतिहास में होगा कि जम्मू और कश्मीर के जो छात्र वहां से पढ़ाई करने के लिए यहां आएंगे, उनके लिए 5% का कोटा जो है रिजर्व होगा और उस कोटे के तहत उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी राहत वैसे लोगों के लिए, क्योंकि कई बार ये सुनने में आता था कि वहां के स्टूडेंट्स आते थे लेकिन कम मार्क्स की वजह से, हाई कट ऑफ की वजह से उनके एडमिशन नहीं होते थे। तो अब ज्यादा से ज्यादा छात्रों को यहाँ, जो खासतौर पर जम्मू और कश्मीर से आएंगे, उनको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। बड़े वक्त से थी और उसकी उम्मीद कश्मीरी विस्थापित कर भी रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।